दोस्तों, मेराज का वाकया इंसानी अकल को दंग करने वाला एक वाकया है। इस वाकये में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद के दरमियान के तमाम पर्दों को हटा दिया था। इसके बारे में जानकर आज साइंस भी हैरान है, और वो भी अपनी अकल के मुताबिक रोज़ नए नए तजुर्बे करके कुरान पाक की हर बात को परखने में लगी हुई है। इस वाक्य के हवाले से साइंस यह सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र किया जाए, यानी कि अगर बिजली की तेज़ी से भी अगर कोई इंसान सफ़र करे, तो भी यह मुमकिन नहीं है कि एक ही रात में एक ही लम्हे मौजूद में मस्जिदुल हरम से मस्जिदुल अक्सा और फिर मस्जिदुल अक्सा से पहले आसमान पर और फिर यूँ दर्जा बाई दर्जा सातवें आसमान और फिर उससे आगे सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद में इससे भी आगे अल्लाह के अरश तक पहुँची और फिर अपने रब से मुलाकात का सरफ हासिल करके वापस भी आ जाए, यह स्पीड तो रोशनी की रफ्तार से भी मुमकिन नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने यह मेराज का सफ़र यानी कि पूरी कायनात का सफ़र सिर्फ एक ही रात में पूरा कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक्य को लेकर किस तरह के नए नए परीक्षण कर रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको प्यारे नबी से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि साइंस की दुनिया में हर रोज़ नई नई खोज होती रहती है, क्योंकि यह दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के दौर में हैरत अंगेज मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल भी है, जिसका मतलब यह है कि वक्त में सफ़र करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको आज साइंस की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी हैं कि जिसकी मदद से वक्त में सफ़र करने को मुमकिन बनाया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले यह बयान कर दिया गया था कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मस्जिदुल अक्सा पहुंची, अगर उस दौर के मुताबिक यह सफ़र घोड़े पर किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक्त लग सकता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया, बल्कि आप सातवें आसमान तक भी पहुँची और यही नहीं, इससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक भी गई। साइंस के लिए यह समझना नामुमकिन था कि अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी कायनात का यह सफ़र एक ही रात में कैसे तय किया, क्योंकि इस दौरान ज़मीन पर बहुत ही कम वक्त गुजरा था। साइंस की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र करता है तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है, और अल्लाह के प्यारे नबी तो बुराक पर सवार थे जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा थी, मगर फिर भी मेराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने के बजाय कम हो गया, यानी कि वक्त थम गया था। साइंस के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिम्त में 40,000 या 5,000 बिलियन दूरी है, जबकि रोशनी एक साल में 9,000 या 4 ट्रिलियन तक का सफ़र करती है। इसका मतलब ये है कि अगर रोशनी लगातार सफ़र करती रहे तो 40,000 यानी कि 5 बिलियन सालों में इस कायनात के किनारे तक पहुंच सके। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी दूरी तय करने में अरबों साल का वक्त लग जाता है, तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतना बड़ा फासला एक ही रात में कैसे तय कर लिया। तो याद रखें, बेशक यह अल्लाह पाक की कुदरत है जिसने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त को समेट दिया। दोस्तों, मेराज का वाक़या हिजरत से एक साल पहले 621 ईस्वी में पेश आया था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 52 साल थी, वो 27 रजब की रात थी। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सो रहे थे कि तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई और आपको जगाया और अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया, जमजम के पानी से धोया और आपके दिल को नूर से भर दिया, फिर आपका सीना मुबारक बंद कर दिया। याद रखें, दुनिया की सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी अल्लाह के प्यारे नबी की हुई थी। फिर आपके सामने एक सवारी को पेश किया गया जिसका नाम बुराक है। बुराक लफ्ज़ बरक से निकला है, जिसका मतलब होता है बिजली। बुराक की ताकत 1 से 10 बिलियन जूल्स थी, मतलब कि बुराक की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि कहा जाता है कि जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ पर बुराक का अगला कदम पड़ता था। खाना काबा से बेतुल मुकद्दस तक का फासला तकरीबन 1470 किलोमीटर का है। बुराक की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ थी, इसलिए यह फासला सेकेंड के 1000वें हिस्से में तय हो गया।
फिर जिस जगह पर अंबिया अलैहिस्सलाम की सवारियों को बांधा जाता है वहां पर बुराक को बांध दिया गया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाजा खटखटाया, पूछा गया कि कौन हो, तो कहा गया कि मैं जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ में कौन है, तो कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूछा गया कि क्या उनको बुलाया गया है, तो कहा गया कि हाँ उनको बुलाया गया है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया, वहाँ पर हमने नमाज अदा की और फिर हम आसमान के जानिब रवाना हो गई। पहले आसमान पर हमारी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम से हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से और पांचवे आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हमने बैतुल मामूर को देखा जहाँ पर तमाम फरिश्ते आ जा रहे थे। उसके बाद हम थोड़ी आगे बढ़े जहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा है, जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके सर अल्लाह के सामने सजदे में नहीं झुकते थे। वहीं पर कुछ लोग जानवरों की तरह घास चर रहे थे, उनको देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो जकात और खिरात नहीं करते थे। वहीं पर हमने देखा कि कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं, तो इस पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानतान किया करते थे। कुछ लोगों के पेट सांपों से भरे हुए थे, बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। वहीं पर कुछ लोग ताज़ा गोश्त को छोड़कर बदबूदार गोश्त को खा रहे थे, तो उनके बारे में बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपने शोहर और बीवियों के होते हुए भी गिरोह से नाजायज ताल्लुकात कायम रखते थे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम का यह मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई और मेरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े जहां पर हमको जन्नत दिखाई गई। हमने देखा कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिसको आज तक किसी इंसान ने ना ही अपनी आँखों से देखा है और ना ही अपने कानों से सुना है और ना ही उनका कभी गुमान किया है। उसके बाद हम आगे बढ़े, अब हमारे सामने अल्लाह का दरबार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से हम कलामी का असरफ अता किया गया। उस वक्त रोज़ाना 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की गई। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी भी नहीं कर सकेगी। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी वापस अल्लाह की बारगाह में पहुँचे और इस तरह से फिर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज करवाई गई, मगर साथ ही अल्लाह ने उन 5 वक्त की नमाज पर भी 50 वक्त की नमाज पढ़ने जितना सवाब रख दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उसी बुराक पर सवार होकर मक्का वापस पहुँचे। रिवायतों में मिलता है कि जब अल्लाह के प्यारे नबी वापस आए तो बिस्तर मुबारक अभी गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वजू का पानी भी बह रहा था, यानी कि इतने कम वक्त में ही अल्लाह के प्यारे नबी इतना लंबा सफ़र करके वापस आ गई और इस तरह से आपका यह मिराज का सफ़र मुकम्मल हुआ। आज साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि ऐसा मुमकिन है कि हमारी इस दुनिया में तो बहुत ही कम वक्त गुजरे और कायनात के किसी और हिस्से में कई साल गुजर जाएं, जैसा कि मिराज के वाक्य में हुआ। और अल्लाह की कायनात को कोई नहीं जान सकता है, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह पाक की जात ही जानती है कि यह सफ़र कैसे मुमकिन हो सका। दोस्तों, मिराज का वाकया अल्लाह के प्यारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। मिराज के सफ़र के दौरान में आपने पूरी कायनात की सैर की, आपने अल्लाह ताला से मुलाकात की और जन्नत और जहन्नुम का मुशाहदा भी किया। आपने तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से मुलाकात भी की। इस मुबारक सफ़र के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मिराज के सफ़र से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आई, मेरा सीना चाक किया गया और उसमें सफ़र की ताकत अता की गई। याद रखें, बुराक और मिराज के इस वाक्य का जिक्र हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है और आज तो साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन फिर भी आज बहुत से नान समझ लोग इस वाक्य को समझ नहीं पा रहे हैं। अब लोग इस वाक्य को लेकर क्या सोचते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मुसलमान का मिराज के वाक्य पर यकीन रखना फर्जी अवली है, यानी कि ज़रूरी है। और जो शख्स मिराज के इस वाक्य पर भरोसा नहीं रखता है तो समझ लो कि वो अल्लाह के प्यारे नबी पर अपना यकीन खो चुका है।